आज की रिफ्लेक्शन में बस आप लोगों से मैं दो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ और आप लोगों ने उन दो रिक्वेस्ट को मानना है, राइट? देखिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने लोग मानते हैं, अगर एक मानता है तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल रहा और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भी बहुत आगे जाएगा। सिर्फ दो छोटी छोटी बातें जो आपको अपने डेली रूटीन के अंदर लेके आनी है। 1, रीड डेली। 2, राइट डेली। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने रोज़ करनी है। रोज़ अपना मैकेनिज्म, अपना सिस्टम, अपना डे रूटीन ऐसा बना लीजिए कि कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी किताबों में से पढ़ेंगे। न्यूज़ पढ़ने को, इन शॉर्ट्स को, गूगल न्यूज़ को मैं रीड डेली नहीं मान रहा हूँ। आपको जो किताब पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, आप वो किताब पढ़िए। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे बुक्स रीड करता हूँ, तो आई बटन में आपको मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ पर जाइए, देखिए। और अगर आप उस तरह से बुक पढ़ना चाहते हैं तो उस तरीके से आप बुक पढ़ लीजिए। लेकिन जो किताब आपको पसंद है वो किताब पढ़िए। ए बी, आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि आप लोगों ने जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। आप चाहे 10 मिनट पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ कमिंग टू द राइटिंग पार्ट, रोज़ लिखें। अगर आप लिख रहे हैं और आप इस चीज़ का प्रेशर मत लीजिए कि किसी को दिखाने के लिए लिख रहे हैं कि मैं लिंक्डइन पर डालूंगा, मैं ट्विटर पर डालूंगा। मैं जो भी लिंक्डइन या ट्विटर पर डालता हूँ या कभी भी कहीं भी पोस्ट करता हूँ, मैं उसका डबल लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों को सिर्फ कुछ पार्ट ही दिखाता हूँ जो आपके लिए रिलेवेंट होता है। तो आप भी लिखिए कुछ अपने लिए पर्सनल, और कुछ आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकती है, तो उसे आप पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन दो हैबिट्स अपने पास रखिए। अब आप में से कई लोगों के सवाल होंगे कि सर, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? बिलीव मी गाइज, इससे, इस पर्टिकुलर चीज़ से आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगे, आप लोगों के बोलने के, आप लोगों के लोगों को समझने के, आप लोगों के लिसनिंग स्किल्स सब जो हैं बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि पब्लिक स्पीकिंग पे हम लोगों ने एक मिनी कोर्स भी बना रखा है। अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग skill91.com पे विजिट कर सकते हैं और उसे ज़रूर 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 देखिए। बहुत कम प्राइस रखा है उसका, पहले से बहुत कम प्राइस रखा है। और आप लोगों को एक कोड और दे देता हूँ जल्दी से, बिल्कुल एकदम स्पॉन्टेनियसली, ये मैं कुछ सोच के नहीं आया था इस बारे में। तो कोड है आप लोगों का पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कोड यूज़ करते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है उस पर मिल जाएगा। ज़रूर करिएगा अगर आप लोग एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस अच्छी करना चाहते हैं, जब भी आप जूम पे या फिर जब भी आप कहीं फेस टू फेस जाते हैं, तो ज़रूर 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 करिएगा। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, दो चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर करनी है, क्या? रीड एंड राइट एवरी डे। याद रखिएगा, एवरी डे की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कॉन्टेंट एक लाइन भी हो सकती है, 10 लाइन भी हो सकती है, 10 पेज भी हो सकते हैं, चाहे वो रीडिंग के लिए है, चाहे राइटिंग के लिए, लेकिन ज़रूर करिए। और एक बात और, उसको फिर अप्लाई भी करिएगा थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के अंदर, राइट गाइज? चलिए विद दिस नोट चलते हैं और आप लोगों से कल मिलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोड सिर्फ और सिर्फ मैं इनिशियल 20-25 स्टूडेंट्स के लिए रखूंगा। तो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा जब भी आपका मन करे, मतलब जितनी जल्दी आप लोग कर पाएं, क्योंकि फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग मुझे बोलते हो कमेंट बॉक्स में, राइट? चलिए विद दिस नोट गाइज, मिलते हैं आप लोगों से अगली रिफ्लेक्शन में। कैसे लगते हैं आपको रिफ्लेक्शन के एपिसोड? आज के एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा कि आप रीडिंग और राइटिंग करते हैं, नहीं करते हैं, कितनी करते हैं, और आगे आप लोग जो है इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। क्या आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कुछ सुधार करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो मुझे डेली बेसिस पे आप यहीं पे रिफ्लेक्शन पे जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कम्युनिटी में मैं लिखता रहूँ कि आज लिखा और पढ़ा, कि आज लिखा और कुछ नया सीखा, तो आप लोग उसमें रिप्लाई कर सकते हैं, राइट? चलिए जी, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।